मनोज कम्पटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है एक वीडियो बहुत ही शानदार दिए हैं आपको, और उसमें जो बचा हुआ प्रश्न था उसको हम इसमें शामिल किए हैं। तो देखिएगा, आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे तो आपसे छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जापान के भाई बहन की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। उनका नाम था अबे हिफुमी और अबे उटा। ठीक है, ये दोनों जो संबंधित थे जूडो से, ये थे 66 केजी में और ये थे 52 केजी में। अब याद कैसे रखना है, जापान के दोनों भाई बहन थे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने दोनों भाई बहन ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको याद कैसे रखना है। जिसे मान लिया जाए कि बहन जो है बड़ी है और भाई जो है उनसे छोटे हैं, तो क्या बहन कहती है कि अबे थाथा ही उठ पहले जल्दी। कहा कि ना उठ मही था हार जमा तो स्वर्ण पदक मिल तो गई से एकदम जीते लगी हो। तबे हफमी न कौची उठ है ना, उठा लिखा ले तो उठ। और कोची का खेल बढ़िया से तब न जीत में, तो कोची में जूडो में है ना। और ये जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो है अबे हिफुमी जो था 66 केजी वर्ग में, और अबे उटा जो है 52 केजी में, उटा है ना। अब देखिए, टोक्यो जो है दूसरी बार ओलंपिक का मेजबानी किया है। इससे पहले जो है 1964 में ये जो है टोक्यो पहली बार ओलंपिक का मेजबानी किया था। ठीक है, और इस बार जो है दूसरी बार किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 75 लाख, कांस्य के लिए 40 लाख, सॉरी रजत के लिए 40 लाख और कांस्य के लिए 25 लाख का नगद जो है ये पुरस्कार मतलब दिया जाता था, या फिर दिया जाता भी है ना। अब देखिए, तो इसको याद रखना है। देखिए, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मिला करके जो है 100 पूरा कर देना है। यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, तो 100 पूरा कर देना है। और रजत वाला कितना, 40 लाख। अब देखिए, इसके बाद जो यहाँ लिखे हैं टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद यूनुस को। आप देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कुछ खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वालिफाई किए थे, उनके बारे में ये प्रश्न है और पूछता भी है, एग्जाम में आएगा आपके लिए। तो प्रथम महिला तलवारबाज या तलवारवाही वाहक कौन थी, तो भवानी देवी। इसको याद कैसे रखना है, आप जानते होंगे कि गांव वगैरह में जो है नाटक वगैरह होता है, तो उसमें जो डाकू का रोल निभाते हैं वो तलवार लिए हुए रहते हैं, और जब स्टेज पे आते हैं तो बोलते हैं जय भवानी, है ना। तो याद रखना है, उसी तरह से तलवार ले ले, उसके बाद कोची जय भवानी यानी भवानी देवी। प्रथम महिला नाविक कौन है जो क्वालिफाई किए थे टोक्यो ओलंपिक में, तो नेत्रा कुमनन। प्रथम महिला नाविक कौन, तो नेत्रा कुमनन। देखिए, ना से नाभिक भी होता है, ना से नेत्रा होता है ना, नेत्रा कुमनन। अब प्रथम महिला गोल्फर कौन, तो अदिति अशोक। और पहला तैराक कौन, तो साजन प्रकाश। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। आप एक सॉन्ग सुने होंगे कि साजन मेरा उस पार है ना, साजन मेरा उस पार है, तो उस पार है तो तैर करके आ गया साजन मिलने, है ना। तो देखिए, पहला तैराक कौन, तो साजन प्रकाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जापान के भाई और बहन की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो पहला कौन थे, तो अबे हिफुमी और अबे उटा, है ना। अबे हिफुमी और अबे उटा, ये दोनों जूडो में, तो अबे हिफुमी जो था वो 66 केजी में और अबे उटा जो था ये 52 केजी में। टोक्यो ओलंपिक में जब ये जापान के द्वारा मेजबानी किया गया, तो जापान के द्वारा ये ओलंपिक का दूसरा मेजबानी किया गया। इससे पहले जो है 1964 में ये मेजबानी किया था कौन, तो जापान। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो
जो स्वर्ण पदक जीतते हैं उनके लिए 75 लाख, रजत के लिए 40 लाख, कांस्य के लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद यूनुस को। अब देखिए प्रथम महिला तलवारबाज तो ही भवानी देवी, प्रथम महिला नाभिक कौन तो नेत्रा कुमरन, प्रथम महिला गोल्फर कौन तो अदिति अशोक, और पहला तैराक कौन तो साजन प्रकाश, पहला तैराक कौन तो साजन प्रकाश। चलिए इस वीडियो के आखिरी में एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, ये मोहम्मद यूनुस जो थे ये कहाँ के थे, कहाँ के, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। ये नोबेल विजेता है और किस देश के हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट अपना राय जरूर दें। आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।